यह जो आप पौधा देख रहे हैं इसे वन्य सर्पगंधा, गंध नाकुली, नाकुली कंद आदि नामों से जाना जाता है। इसके जड़ों में एक कंद निकलता है, उसे ही नाकुली कंद कहते हैं। ऐसे ही इसकी 3 से 4 प्रजातियां पाई जाती है। यह जो है वन्य सर्पगंधा है। इसे पागलपन की सबसे अचूक जड़ी इसे कहा जाता है। पागलपन में इसके 1 से 2 ग्राम सर्पगंधा मूल के चूर्ण का सेवन करने से यह पागलपन में लाभकारी है। गर्भस्राव जन्य पीड़ा, अगर है किसी को जो गर्भ जो से हैं और उनके रक्त का स्राव हो रहा है, तो इसके 2 से 4 ग्राम सर्पगंधा मूल चूर्ण को शहद में मिलाकर सेवन कराने से लाभ होता है। विसूचिका में सर्पगंधा के 3 से 4 ग्राम मूल के चूर्ण को जल के साथ सेवन कराने से विसूचिका में लाभ होता है। कुकुर खांसी में इसके मूल को पीस कर इसके चूर्ण करके शहद के साथ सेवन कराने से कुकुर खांसी में भी लाभ होता है। यह पागलपन के लिए, जो लोग पागलपन से ग्रसित हैं, इसके धुनी करते हैं, उनसे उनका मन को शांति मिलती है और ज़्यादा परेशान भी नहीं करते। इसके मूल का जो कंद है, इसे सर्प विष में भी दिया जाता है, जिससे कि अनेक तरह के विष का शमन होता है। धन्यवाद।